अब नेक्स्ट आ जाते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने कर लिया था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, जिसमें हमने RMGX यानी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किया था। हमने किसके साथ किया था? हमने नॉर्मल एल्कीन के साथ किया था, ठीक है। अब आता है फिनोल की प्रिपरेशन। फिनोल की प्रिपरेशन भी हम क्या करेंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि भाई आपका ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को देख लो कि आप क्या बनाना चाहते हो। सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपको बनाना क्या है, ठीक है। जब आपको ये पता है कि भाई आपको अल्कोहल बनाना है, यानी आपको OH ग्रुप लगाना है, अब वो OH ग्रुप लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि OH पे नेगेटिव का चार्ज है, इसीलिए ये क्या करेगा, नेगेटिव वाले को ही सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। तो यहाँ पर जब आप OH लगा रहे हो तो यहाँ भी कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, तो हमने क्या नाम दिया, हमने हेलो अरीन वाला कोई भी उठा लिया। उसका जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करोगे तो पहले क्या होगा, पहले ये ध्यान रखो कि टेम्परेचर आपका हाई है, 623 केल्विन है। जब आप 273 माइनस कर दोगे तो ऑलमोस्ट करीबन 300 डिग्री के आसपास इसमें आपका आएगा टेम्परेचर, ठीक है, इन सेल्सियस। फिर ये क्या कहता है कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करोगे तो ये जो Cl- निकलेगा, ये यहाँ से क्या लेके निकलेगा, ये H+ ही लेके निकलेगा, ठीक है। H+ क्यों लेके निकलेगा, क्योंकि इसके जो हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्डिंग है क्लोरीन की, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू Na के साथ में। तो वो क्या करता है, पहले H+ लेके निकलता है और यहाँ पे क्या बना लेगा, HCl। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकली ऑक्साइड और Na+। अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा वापस अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, या आप ये कह लो कि आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया। जब वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा, H+ और OH- वाली कंडीशन फिर आ जाएगी। Na क्या करेगा, Na अपना OH लेके चल देगा, O- के ऊपर क्या आ जाएगा, ये H+ आ जाएगा, ठीक है। तो आपके इसमें वाटर कहीं दे नहीं रखा, पर हमें ये पता है कि NaOH जो है, NaOH डायरेक्टली क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो आप चाहे वाटर ऐड करो चाहे ना करो, वो वाटर के साथ में क्या करेगा, यहाँ पे अपना रिएक्शन ज़रूर शो करेगा, ठीक है। फिर आता है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैं दो एक साथ ले रही हूँ। अब आता है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्या कहता है, ओलियम लेना है। ओलियम क्या होता है, H2S2O7, ठीक है। ओलियम में आपका H2SO4 प्लस आपका SO3 कंबाइंड होता है, H2SO4 प्लस SO3, ठीक है। तो ये जो आपका SO3 ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये एंटर करेगा यहाँ पे, या किसी यहाँ भी कर सकता है, क्योंकि ये पूरा अभी तो खाली पड़ी है बेंजीन रिंग। जब ये यहाँ पे एंटर करेगा तो बच्चों ध्यान से देखना इस वाली रिएक्शन को, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो SO3 है, ये क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन और आपके बेंजीन के बीच में घुसता है। जब ये बीच में घुसेगा तो यहाँ पर आपके पास कंपाउंड क्या आएगा, SO3H, ठीक है। यानी हाइड्रोजन क्या करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे ही हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक हुई, SO3 एंटर हो गया। और क्योंकि SO3 अकेला नहीं रह सकता, इसको स्टेबल होना है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ में SO3 सल्फोनिक बेंजीन बनाएगा, ठीक है। फिर ये क्या करता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करेगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा तो ये फिर वही काम करेगा, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास पहले आ जाएगा Na, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, H+ या वाटर ले लेगा। वाटर जैसे ही आ जाएगा तो ये आपका NaSO3H, ठीक है, ये तो बाहर चल दिया और यहाँ पे क्या आ गया, आपका OH। तो ये आपको लिखना कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि भाई आप जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करोगे, और जब आप इसको इसमें एसिड या ले लो, या तो एसिड ले लो या हाइड्रोजन का कोई भी सोर्स, आप वाटर भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ही इसके साथ में ये आएगा, यहाँ पे ये फिनॉल वाला काम कर देगा, ठीक है। फिर आता है आपका डाई अजोनियम सॉल्ट।
अब डाई एजो ग्रुप क्या होता है? डाई एजो ग्रुप में हमेशा ध्यान रखना, अभी वापस लेके आ रही हूँ मैं स्क्रीन पे, डाई एजो ग्रुप यानी N2, जब भी ये नाइट्रोजन पूरी अपनी N2 के फॉर्म में जब भी आपको किसी कंपाउंड के बीच में मिल जाए, उसका नाम क्या लिख दो? सीधा लिख दो डाई एजो। डाई यानी दो, एजो यानी नाइट्रोजन, EM यानी उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना, नाम से बहुत चीज़ें यहाँ पे काम आ जाती हैं। आपको क्या ध्यान रखना है? डाई यानी दो, एजो यानी नाइट्रोजन, N2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है? N ट्रिपल बॉन्ड N पूरा प्रेजेंट है। EM यानी इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है। तो देख लेते हैं आपकी बुक में अभी क्या कहता है। अब यहाँ से मैं आपके उधर लेके जा रही हूँ डाई एजोनियम सॉल्ट से प्रिपरेशन। अब इस डाई एजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन में देखो ये क्या कह रहा है, एनिलीन था, ठीक है? एनिलीन यानी बेंजीन ग्रुप के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अब जब बेंजीन ग्रुप के ऊपर NH2 ग्रुप है, इसने क्या किया, डाई एजो ग्रुप बनाने के लिए ये क्या करता है, सोडियम नाइट्राइड से ट्रीटमेंट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी एसिड ले लो, ठीक है? तो कोई भी एसिड आप ले सकते हो, जरूरी नहीं कि HCl ही है, अगर यहाँ पे HBr होता तो ये आपका बेंजीन डाई एजोनियम ब्रोमाइड बन जाता, ठीक है? तो यहाँ पे हमें तो बेंजीन डाई एजोनियम बनाना है, मेन बात ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक के साथ में रिएक्शन करेगा, ये NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एसिड भी इसको ऐड किया है, एसिड भी आपने रिएक्शन में लिया है। तो ये एसिड क्या करेगा, ये यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, यहाँ से क्या करेगा, इसके साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिकली बॉन्ड हो जाता है और N2 के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसीलिए नाम पड़ा ये तो बेंजीन का, ठीक है? डाई एजोनियम यानी ये आपका N2 प्लस, ठीक है, इंक्लूडिंग डाई यानी दो नाइट्रोजन, एजो यानी N, ठीक है, EM यानी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड यानी ये आपका Cl-। जब आप इसको वॉर्म वाटर से ट्रीटमेंट करोगे, वॉर्म वाटर यानी कितना, ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 वो केल्विन ले लो, इससे ज़्यादा का टेम्परेचर नहीं आएगा, ठीक है? वॉर्म इतने पे ही होता है वाटर, उसके जैसे वॉर्म वाटर से करोगे ये क्या हो जाएगा, डाई एजोनियम में से नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, ठीक है? वाटर किस फॉर्म में था, H+OH-, ये H+ किसके साथ चल देगा, Cl के साथ, रह क्या गया, रह गया OH, तो वो OH आके यहाँ पे जुड़ जाता है। ये सिर्फ आपको समझाने का तरीका है बच्चों, ये ऐसा लिख मत लेना कि यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये आ गया, ठीक है? हमें किसी रिएक्शन को सबसे सिंपल भाषा में समझना होता है, तो वो समझाने का तरीका आपको ये ही है, ठीक है? समझ आ रहा है कि क्यूमीन के साथ में रिएक्शन करता है। क्यूमीन क्या है, क्यूमीन यानी आपका ये जो आइसोप्रोपाइल कार्बन ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये आपकी बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है। जब इसके साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, इसको भी वहीं लेके जा रही हूँ मैं स्क्रीन पे, अब यहाँ क्या कर रहा है ध्यान से देखना, ये कहता है कि क्यूमीन जो था, क्यूमीन यानी बेंजीन रिंग पे आपका क्या है, ये आपका सी यानी आपका एक कार्बन ग्रुप जुड़ा है जो कि दो मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है? यानी आइसोप्रोपाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है आपकी बेंजीन रिंग। इसके साथ में जब ऑक्सीजन आएगा, अब हुआ क्या, ऑक्सीजन जब आया इसके साथ में, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, पूरा पेरोक्साइड के फॉर्म में जुड़ेगा। तो जब पेरोक्साइड आपको जोड़ना है बच्चों, आप क्या करोगे, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये थोड़ा सा क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन इसके बीच में एंटर होता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन ने क्या किया, इस कार्बन के बीच में एंटर हुआ, एंटर होते ही इसने क्या किया, पेरोक्साइड बना लिया। तो ये क्या बना आपके पास, क्यूमीन का हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है? अब क्या हुआ, अब ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या निकल सकता है इसमें, CH3COCH3, हमें बनाना क्या है, हमें चाहिए फिनॉल, तो फिनॉल हमने निकाल लिया, रह क्या गया, एसीटोन ग्रुप रह गया। तो एसीटोन आपका क्या हो जाएगा इसमें, बाई प्रोडक्ट,
ठीक है। तो ये आपका क्या कहता है, ये जो एसीटोन है इसमें एक लाइन दे रखी है, एसीटोन इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज बाय दिस मेथड। तो एसीटोन भी मिल रहा है हमें, हमें फिनॉल भी मिल रहा है, तो हमारा एक उससे ही दो चीज़ें, दो प्रोडक्ट्स हमारे पास यूज़ में निकल रहे हैं, यानी ये हमारा एक तरीके से इंडस्ट्रियली बेनिफिशियल प्रोडक्ट है या इंडस्ट्रियली बेनिफिशियल रिएक्शन है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई ये बताओ इंडस्ट्रियल बेनिफिशियल तरीके से हम कैसे फिनॉल और मतलब कैसे फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है अब आपके इसमें क्वेश्चन से रखे इंटेक्स क्वेश्चन, आपको ये बताना है शो हाउ द फॉलोइंग एल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपका क्या है यहाँ पे, प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल में क्या करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में क्या लोगे, एल्कीन ले लो, नॉर्मल सिंपल एल्कीन ले लो, ठीक है, जिसमें आपके 1 डिग्री एल्कीन हो, ठीक है। यहाँ पे मिथेनल बना रहा है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब आप करोगे तो आप इसको बैक रिएक्शन में जाना, जहाँ से आपका ओ एम जी एक्स ब्रेक हो रहा है वहीं पे आपका यानी इतना ग्रुप सी एच थ्री ग्रुप सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ग्रुप से आपका ये जुड़ ये बन जाएगा, ठीक है। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, प्रोडक्ट अब आपको बताने हैं, तो ये आप अपने इसमें से देख के लिख लेना, बाकी आपको एक बार वैसे बता देती हूँ। ये आपका क्या करेगा, वो वाला रूल फॉलो करेगा, कौन सा, मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है। जहाँ भी डबल बॉन्ड दिख रहा है मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करेगा। हाइड्रोजन इस केस में इस पे आके सी एच थ्री ग्रुप बनाएगा, इस केस में आपका ओ एच ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ये बनेगा आपका सेकेंडरी एल्कोहल। सोडियम बोरोहाइड्राइड है, क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन देगा तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ मत पहुँचाना, ठीक है। यहाँ भी सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सी एच डबल बॉन्ड ओ है, तो एक हाइड्रोजन कार्बन को मिलेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल देगा दोनों केसेस में, ठीक है। वो कहाँ आपको कंफ्यूज करेगा, वो आपको देगा सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाले में दो जगह ऑक्सीजन दे रखा है, बताओ कौन सा फिनॉल ये प्रिफर करेगा, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। यहाँ पे हमारे पास है क्या, सबसे पहले तो हम हमारे ग्रुप को देख लेते हैं, ग्रुप हमारे पास क्या है, क्या ओ एच ग्रुप, ठीक है। जब भी ओ एच ग्रुप होगा ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, फॉन्सिल बरसाई वाली सीरीज याद है ना, तो ये ऑक्सीजन हमेशा क्या करेगा, ये अपने नेगेटिव मोड में ही रहेगा, ठीक है। जब ये नेगेटिव है तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इस ऑक्सी हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, कुछ ज़्यादा ही खींच लेता है और ये अपना नेगेटिव होल्ड क्या करता है, मेंटेन करता है। अब जब इसका नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन की तरफ, यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया, तो ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर किसकी एक्सेस हो जाएगी, प्रोटॉन कंडीशन की एक्सेस हो जाएगी, और ये हाइड्रोजन क्या करता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन कर लेता है। अब ऐसा यहाँ पे कोई सा भी, मैं तो आर लिख रही हूँ, चाहे वो बेंजीन हो चाहे कुछ भी हो, मैं अभी आर लेके चल रही हूँ, ऐसा यहाँ पे कोई और ग्रुप भी होगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पे कोई और ग्रुप भी होगा। जैसे जैसे ये आते चले जाते हैं, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, पार्शियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये आपके क्या चलती चली जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती चली जाएगी, ठीक है। अब ये कंडीशन के कारण होगा क्या, सबसे पहले तो काम क्या होता है, अगर ये आपकी लिक्विड स्टेट है तो लिक्विड स्टेट में जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। जब हमें ये एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी और वो थोड़े से हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। दूसरी बात क्या कहता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जनरली क्या करता है, लिक्विड स्टेट और फिनॉल जो होता है वो सॉलिड स्टेट ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज इंटरेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एक बॉइलिंग पॉइंट, एक उसकी फिजिकल स्टेट, ये हमेशा इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी,
ठीक है। तो यहाँ भी आपको कुछ ऐसा ही दे रखा है कि यहाँ पे ये क्या कहेगा, ये कह रहा है कि इस स्ट्रक्चर में आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है वो कहलाता है इंटर मॉलिक्यूलर, और एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बनता है तो वो कहलाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है। ये क्या ये आपका अल्कोहल में, अब जैसे ये आपसे बोलेगा कि भाई इथेनॉल है और मिथॉक्सी मीथेन है, अब ध्यान से देखना, इथेनॉल का आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 351 केल्विन, ठीक है, और मिथॉक्सी मीथेन का मॉलिक्यूलर मास इथेनॉल के बराबर ही है पर बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 248 केल्विन। वो बोलेगा क्यों, एक क्वेश्चन लगा देगा, वाई क्यों, क्योंकि भाई इथेनॉल में क्या हो रहा है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी है, तो ये सारा प्रोसेस क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फेवर कर रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये क्या करता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मिथॉक्सी मीथेन में ऐसा कोई केस नहीं है, सिर्फ दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हैं, दोनों का प्लस आई इफेक्ट है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उसके कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सेम मॉलिक्यूलर मास होते हुए भी कम होता है। आई बच्चों बात समझ में। सोल्युबिलिटी की बात करें तो क्योंकि सोल्युबिलिटी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, तो जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी वहाँ पे जब तक बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर मास नहीं हो जाता, लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड्स होते हैं मिसिबल होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में भी तो प्रेजेंट है, वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एल्कोहल, जैसे इन दोनों के OH ग्रुप्स कॉन्टेक्ट में आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होते चले जाएंगे, ये मिसिबल होते चले जाते हैं, ठीक है, मिसिबल यानी सल्यूबल होते चले जाते हैं, ठीक है। फिर आता है अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने पहले क्या बताया था, बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर करेगा, मास के ऊपर, ठीक है। जब मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो आपके पहले वाले में क्या दे रखा है, भाई आपके पेंटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और मिथेनॉल, तो सबसे कम मिथेनॉल है, ठीक है, तो मिथेनॉल का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन है, पेंटेनॉल, 5 कार्बन वाला पेंटेनॉल हो गया। अब कन्फ्यूजन कहाँ होगा, कन्फ्यूजन होगा ब्यूटेन वन ऑल और ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। अब देख लो एक बार, ब्यूटेन टू ऑल पहले आ रहा है, ब्यूटेन वन ऑल बाद में आ रहा है, देख लेते हैं क्यों आता है। देखो ब्यूटेन, ठीक है, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है, ब्यूटेन ये 2 ऑल है, 1, 2, 3 और 4 ये ब्यूटेन 1 ऑल है, ठीक है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कम्पेयर टू ब्यूटेन 1 ऑल का, कोई बताएगा क्यों, कोई बता सकता है मुझे मैम, क्योंकि ना उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो पीछे लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप पीछे आगे से बात नहीं होती, बात होती है उसके स्ट्रक्चर से, ठीक है। इसको थोड़ा अब साइंटिफिकली बात करते हैं, ठीक है। देखो एक और, इसमें भी एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी देखते हैं। पेंटेनल, पेंटेन, ये तो इसने एन ब्यूटेन, पानी 4 कार्बन, इथॉक्सीटेन, उसमें वहीं करते हैं। चलो देखो इसने क्या दिया है, ब्यूटेन टू ऑल का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है ब्यूटेन वन ऑल के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, ठीक है। हमने क्या किया था, बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, ऑलमोस्ट आपस में रिवर्स्ड कैरेक्टर फॉलो करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मैंने तुम्हें क्या कहा था, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है लैटिस के स्ट्रक्चर पे, ठीक है, जितना ज़्यादा आपका लैटिस टाइट होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी जितना ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में आता चला जा रहा है उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो अब हम एक एक पॉइंट समझते हैं इसको, ठीक है। पहली बात आते हैं लैटिस पे, तो लैटिस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो लैटिस में आपके पास ये वाला जो है ये थोड़ा सा क्या है, सिमेट्रिकल है ना,
अगर मैं वन उसको देखूं, वन के कंपैरिजन में टू वाला जो है वो थोड़ा सा सिमेट्रिकल है, और जब सिमेट्रिकल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम होगा। आई समझ में? ठीक है, अगर आपको कुछ इस तरीके से दे रखा हो कि एक कार्बन है, एक दो तीन, ठीक है, ये आपका टर्शियरी कार्बन है, ये आपका क्या है, ये आपका एक दो तीन और चार, ये आपका एन कार्बन है। अगर वो आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछता है तो बॉइलिंग पॉइंट टर्शियरी वाले का कम होगा एज़ कम्पेयर टू एन एल्केन। पर अगर वो आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये पूरा क्या है रहा है, एक सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, टर्शरी का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एन एल के। ठीक है, तो एक लाइन याद रख लो, दूसरी अपने आप हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस स्ट्रक्चर। अब लैटिस हम कर चुके हैं, लैटिस यानी जितना आपका क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होगा, जितना आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। आई बच्चों बात समझ में? ध्यान रहेगी ये वाली लाइन। अब इसको एक बार और समझते हैं, केमिकल रिएक्शन को पहले अपने तरीके से समझते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना, जब भी हम अल्कोहल की बात करेंगे, तीन चीज़ें इसमें आपके सामने आ रही हैं। पहली बात आ रहा है आपका एल्काइल ग्रुप जो है, इसका क्या आता है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, दूसरा है ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड क्या कर रहा है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों तरीके से काम करता है, क्योंकि एक तरफ तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, वो दे भी सकता है, पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, वो दूसरे किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशी को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा। ठीक है, तो अब ये कहता है कि ये जो हमारे पास दोनों कंडीशन है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वाली, तो आपका जो अल्कोहल है वो दोनों तरीके से काम कर रहा है। एक जगह उसका क्या होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जगह क्या होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, कि इसका CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या इसका OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं मेन पेज पे। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट आता है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब पहले आएगा OH बॉन्ड। ठीक है, यानी जब आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो कौन सी वाली रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफाइलिक वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, तो पहला रिएक्शन जो आ रहा है वो आता है आपका कि अल्कोहल का विद मेटल्स। अब जब हम अल्कोहल के मेटल्स के साथ में, या जनरली जब हम मेटल्स के साथ में बात करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो भी मेटल है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फॉलो करते हुए ये क्या करेगा, H2 को एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, ये भी मेटल क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, OH बॉन्ड में हाइड्रोजन को क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, ऐसे यहाँ भी क्या कर रहा है, ये सोडियम है तो सोडियम क्या करेगा, H2 को एलिमिनेट कर देगा। यानी मेटल जब भी आ जाता है अल्कोहल के साथ में तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, सब्स्टिट्यूट करके खुद उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, और उसके बाद फर्दर आके किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो अभी जब हमने प्रिपरेशन करी थी, प्रिपरेशन में भी हमने क्या किया था, हमने यही काम किया था, हम यही तो कर रहे थे कि पहला इसके ऊपर क्या आ रहा था, ONA आ रहा था, उसके बाद जाके हम आगे उसको OH में कन्वर्ट कर रहे थे। रीज़न, ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण क्या करता है, मेटल को अपनी तरफ, हाइड्रोजन जैसे मेटल आता है, मेटल इसमें से क्या करता है, हाइड्रोजन का तो पहले ही एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को वो क्या करता है, गैल्वेनिक सेल टाइप रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका अच्छा इम्पोर्टेंट आता है, पहले ये लाइन करवाती हूँ आपको, फिर बताऊँगी। ये पूरी लाइन मैं आपको वहाँ करवा रही हूँ।
अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो देखने वाली बात है, ठीक है, इसने एक लाइन दी है कि भाई ये बेस है, ये एसिड है, ठीक है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है। अब आप कहोगे कि भाई एसिड और बेस तो समझ आ गया, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई भी एसिड है, अगर ये एसिड क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन बाहर दे देता है यानी निकाल देता है, तो बचा हुआ जो हिस्सा है वो क्या हो जाता है, वो कहलाता है कॉन्जुगेट। और क्योंकि एसिड में से निकला था तो वो क्या कहलाएगा, उसका अपोजिट यानी बेस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जहाँ पे एसिड होगा यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपके एसिड और बेस होगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपके क्या होगा, आपका कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस होगा। अब इसने जो हाइड्रोजन निकाला तो किसी ने तो लिया होगा, कौन लेगा उसको, बेस लेगा। जब बेस ने ये हाइड्रोजन ले लिया तो उसने क्या बना लिया, अपना कॉन्जुगेट प्रोडक्ट बना लिया, और अब ये क्या कहला रहा है, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट यानी उसका काउंटर पोर्शन। ठीक है, तो कॉन्जुगेट हुआ कौन, जो काउंटर था। ठीक है, अगर बेस है, बेस ने हाइड्रोजन ले लिया, अब वो तैयार है किसी को भी हाइड्रोजन देने के लिए, तो वो क्या करेगा, अब बेस ने जब हाइड्रोजन ले लिया, तैयार हो गया वो हाइड्रोजन देने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा और क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, यानी कॉन्जुगेट पार्ट था उसका, वो एक्चुअली में एसिड नहीं था। ठीक है, फिर आता है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। यहाँ से बच्चों बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका। ये क्या कहता है कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल आप डिसाइड कैसे करोगे, आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपके एल्काइल ग्रुप देखना है। एल्काइल ग्रुप पे क्या होगा, एल्काइल ग्रुप का क्या काम होता है, प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करना यानी इंडक्टिव इफेक्ट। याद है ना इंडक्टिव इफेक्ट, नहीं याद है तो दोबारा अपने 11th की एक बार यहाँ से गूगल से कहीं भी सर्च कर लो। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि अपने पास से इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ भेजते हैं। ठीक है, तो उनमें एल्काइल ग्रुप आता है, एल्काइल ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर करता है तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप का भी इफेक्ट है। यहाँ पे ये जो आपका CH2 ग्रुप है ये थोड़ी बचा रहेगा, ये भी यही काम करेगा, ये इसको ऐसे खोल के करते हैं RCH2, मैं यहीं पे एक कॉमन बॉन्ड लगा रही हूँ OH। R ने क्या दिया, इसको कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच किया। ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो कार्बन क्या करेगा, अब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया, इधर ऑक्सीजन भी क्या था, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच था। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड आ जाएंगे तो इनके बीच में से क्या होगी, क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि भाई अगर क्लीवेज यहाँ से हो रही है या क्लीवेज यहाँ से हो रही है, क्योंकि एसिड का क्या काम है, एसिड तो सिर्फ हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ पे इसने क्या आपको दिया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों का वो बता रहा है कंपेरिजन बता रहा है। कैसे बता रहा है देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं ये वाला आपको डिलीट कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब एल्कोहल का क्या काम है, एल्कोहल 100% कंडीशन में जैसे ही सोडियम इसके पास में आएगा ये क्या करेगा, हाइड्रोजन तो देगा। ठीक है, पर यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है जो आपका मिथाइल ग्रुप या जो भी आर, यहाँ पे एक ही आर है, यानी इसके पास एक आई का एल्काइल, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप है, प्लस आई, ठीक है, और यहाँ भी क्या है, प्लस आई। यहाँ पे तीन इंडक्टिव इफेक्ट हैं, प्लस आई, ठीक है, ये भी प्लस आई, ठीक है, और ये भी प्लस आई। अब क्या होगा, एक इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा या दो ज़्यादा काम करेंगे या तीन ज़्यादा काम करेगा, किस केस में कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, ये आपका प्राइमरी है, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी है, ठीक है, और ये आपका टर्शरी है। अब मैं बात कर रही हूँ एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की। जब प्लस आई इफेक्ट, इस एल्काइल ग्रुप ने अपना प्लस आई इफेक्ट लगाया, इंडक्टिव इफेक्ट लगाया, तो इसने क्या किया, ये जो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन थे, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, ये इस कार्बन के ऊपर पहुँच गए। ठीक है, यहाँ से यही एल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, डबल पावर से काम कर रहा है, दो बार काम करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो कार्बन है, ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। ठीक है,
फिर यहाँ पे ये जो तीन एल्काइल ग्रुप हैं, तीनों ने कार्बन को इतना इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया कि इसकी जो टर्शरी कार्बन था, इसकी जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, वो सेकेंडरी से भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब इसको समझो। अब हुआ क्या, इस केस में कार्बन क्या है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको तीन इलेक्ट्रॉन मिल गए पूरे के पूरे, यानी इसके पास क्या था, चार इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड, मतलब चार इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से एक यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ था, तीन यहाँ पे थे। अब यहाँ पे जब इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को पुश कर दिए, इन वालों ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को पुश कर दिए, तो ये कार्बन के पास टोटल कितने आ गए, ऑलमोस्ट यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, और यहाँ पे बेचारा ये कार्बन क्या हुआ, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया कि पास वाला जो ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन की डोमिनेंस ख़त्म हो गई। अब ऑक्सीजन ने ये कहा कि भाई तू भी मेरे ही जैसा हो गया, तो तू अपना संभाल और मैं अपना संभालूँ, यानी कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा इस केस में। ठीक है, तो इसने आपको क्या दिया है, आपको जो सीरीज़ दी है वो सीरीज़ क्या दी है, प्राइमरी का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू टर्शरी। तो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि टर्शरी में ये जो कार्बन है ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से भर जाता है कि जो ऑक्सीजन खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच है वो क्या करेगा, वो इससे दूर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए टर्शरी अल्कोहल जो है वो क्या करेगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। आई बच्चों बात सीखा कि यहाँ पे जब इस फिनॉल वाले ने क्या किया, ये हाइड्रोजन हटाया, क्यों हटाया, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी बेचारा क्या कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन खींच के रख ही रहा है, तो इसका इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही खींच लेता है कि हाइड्रोजन इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, ये देखो इसकी ये वाली कंडीशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जब ये वाली कंडीशन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन के, तो ये क्या करेगा, ये इसको बाहर भेज देगा। मैं इसको क्रॉस लगा रही हूँ, जैसे इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगाया, अब यहाँ से इसको स्ट्रक्चर को ऐसे समझना कि ये क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज की डोमिनेंस हो गई। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस रिंग में एंटर करेगा, ये रिंग में एंटर करते ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और ये अंदर क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन रिंग में दे दिया। ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहाँ पर आ गया, ये और ये। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो नंबर टू पोजीशन पे, ये कार्बन वन बोल लो, ये कार्बन टू बोल लो, ये कार्बन टू पे जो इलेक्ट्रॉन है ये रिंग में एंटर करेगा, जैसे करेगा ये इसको बाहर भेज देगा। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने लग जाएगा। ये सर एक मिनट बच्चा, ये आपका ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर हो गया था इन दोनों के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर एंटर करेगा और ये जो बॉन्ड था ये बॉन्ड क्या करेगा, ये बाहर निकल लेगा। तो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, वो बनेगा ये वाला, ये आ गया बॉन्ड इधर, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया था, इधर लगा रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया था और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था विद पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ, अभी भी इसको तसल्ली नहीं मिलेगी, अब क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन लेके और ये ही वाला ओरिजिनल वाला स्ट्रक्चर बना लेगा। तो अब इस पूरे में रामायण क्या हुई, पूरे में रामायण ये हुई कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपके चार तरीके के स्ट्रक्चर हैं, इसने क्या, इसको क्या नाम दिया, इसका नाम पड़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जब भी कोई भी कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो उसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो वो आपसे ये कहेगा
कि भाई ये बताओ कि आपका ये जो फिनॉल है ठीक है, अगर आपका एल्काइल ग्रुप है ठीक है और अगर आपका फिनॉल ग्रुप है तो इनमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और क्यों। तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा क्यों, क्योंकि इसमें ये जो आयन मैंने शुरुआत में बनाया था जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये वाली कंडीशन ठीक है, ये वाली कंडीशन ये कहलाता है फिनोक्साइड। ये आयन कहलाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ये फिनोक्साइड आयन किसके कारण स्टेबल है, रेजोनेंस के कारण, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज़्यादा ये स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है और इसी के कारण फिनॉल हम जो घर में फिनाइल जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नथिंग, इट इज़ द फिनॉल। हाँ ठीक है।